डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन, और इसको मैं विद एग्जांपल तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करके करूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना इम्पॉसिबल है, और मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक्चुअल में बेसिक फाउंडेशन है ML की। तो मैक्सिमम जगह पे ना सिंपली मशीन लर्निंग के बारे में बताते हैं कि ये रिग्रेशन है, ये लीनियर रिग्रेशन है, ये कौन, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स है, जो मैथमेटिक्स है, उसको समझना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मशीन को लर्न करवा रहे हो, पहले खुद के ब्रेन को तो लर्न करवा लो कि एक्चुअल में काम होता कैसे है। तो देखो, लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप को शो करना है। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में मेरे को रिलेशनशिप को शो करना, और फिर मुझे उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करनी है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा विद मैथमेटिक्स, तो इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां पर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या है। तो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, यहां पे एम एक्स प्लस बी, और यहां पे जो y है कैपिटल y, ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, कैपिटल एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे यार, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट में रिग्रेशन की क्लास में, लेकिन फिर से बता देता हूं, अगर मुझे स्टूडेंट के एग्जाम के स्कोर को प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन देयर स्टडी आवर्स, कि कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, तो मुझे प्रिडिक्ट क्या करना है कि उनका स्कोर क्या है। तो जो मेरा प्रिडिक्शन करनी होती है जिस चीज को, वो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके बेसिस पे करनी है कि उतने उसने कितने घंटे पढ़ाई की, मतलब एग्जाम के सिर्फ एग्जाम से पहले जो स्टडी आवर्स है, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, दैट इज व्हाट अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पे m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, इसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा, पहले भी हमने किया हुआ है, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं हाउ मच y चेंजेस फॉर अ यूनिट चेंज इन x, मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर मैं x में एक का चेंज करता हूं, एक यूनिट का चेंज करता हूं, तो y में कितने यूनिट चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट अ स्लोप। और b क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर x की वैल्यू को मैं जीरो रख देता हूं, x की वैल्यू मतलब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को अगर जीरो रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या आती है, ये हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है वही सारी चीजें बताऊंगा, बस बने रहो वीडियो में। देखो, यहां पे मैं आपको प्रोजेक्ट के साथ ही इसको एक्सप्लेन करता हूं, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। प्रोजेक्ट मेरा क्या है, प्रिडिक्टिंग पिज्जा प्राइसेस, मुझे पिज्जा के प्राइस को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो यहां पे सबसे पहला फेज क्या होता है, डेटा कलेक्शन, मतलब सबसे पहले मैं डेटा को कलेक्ट करता हूं, मल्टीपल पिज्जा स्टोर्स में जाके मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा कि भैया तुम्हारा डायमीटर कितना है, स्मॉल पिज्जा कितना है, उसका डायमीटर बताओ, मीडियम का बताओ, लार्ज का बताओ, और उनके प्राइजेस क्या है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं पहले डेटा को कलेक्ट करूंगा, फिर उस डेटा को क्लीन करूंगा, ताकि मेरा गलत जो है वो इंफॉर्मेशन वो वहां से निकाल दूं, और उसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होती है। ये देखो जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, सिर्फ आप इन दो कॉलम्स को देखो, इन दो कॉलम्स को डेटा को कलेक्ट किया, डायमीटर पिज्जा का जो डायमीटर है इन इंचेस मैंने सबसे पहले लिखा, मैंने स्मॉल सा डेटा लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहां पे अभी लर्न कर रहे हो चीजों को, तो पहले स्मॉल डेटा पे वर्क करके देखो, फिर उसके बाद लार्ज डेटा पे आप इजीली वर्क कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझो पहले। तो यहां पे मैंने वैल्यू क्या ले ली, 8, 10 और 12, मतलब मेरे जो पिज्जा का डायमीटर है ये, और यहां पर प्राइस क्या है, $10, $13 and $16, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने जो है वो डेटा को कलेक्ट किया। अब यहां पर एक्स क्या है मेरा, x जो है वो क्या है इंडिपेंडेंट, मतलब डायमीटर मेरा क्या है इंडिपेंडेंट, इसके बेसिस पे मुझे प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट करना है, तो प्राइस मेरा क्या हो गया यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको मैंने कैपिटल y, इसको मैंने कैपिटल x, ये कहानी तो आई होप सबको समझ में आई गई होगी। अब यहां पे हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, अब यहां पे मेरे पास जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूं यहां पे, x की वैल्यू मेरे पास यहां पे कुछ ना कुछ है मेरे पास, सबसे पहले m और b को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे वही लीनियर इक्वेशन जो है वो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, और लीस्ट स्क्वेयर मेथड, लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या है अभी आपको पता लगेगा। देखो, लाइन वाइज लाइन चलते जाओ, बड़ा ईजी है, बट एक बार नोट कर लो सारा, ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों चीजें हमें दी हुई है। सबसे पहली चीज मैंने क्या कैलकुलेट की, मीन कैलकुलेट किया एक्स का, एक्स मतलब हमारा डायमीटर, देखो 8 + 10 + 12 कितने हो गए 30, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है 3, तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू
10. ऐसे ही आप mean of y calculate कर लो, 10 plus 13 plus 16 divide by 3, तो क्या आ गया जी, 13 आ गया. तो mean of x, mean of y done. उसके बाद हमने क्या करना है, deviation. deviation पहले x का, deviation मतलब mean से मेरी value कितनी deviate हो रही है. तो मेरा mean जो है वो x का कितना आया था, 10. 10 minus 8 करो, मतलब आपके पास मतलब एक तरह से value जो है उसमें से minus करते हैं mean की value. तो 8 minus 10 minus 2, 10 minus 10 0, 12 minus 10 क्या करोगे, 2 आएगा. तो ये मेरा deviation आ गया. अब deviation of y, तो यहाँ पे y की value क्या है, 10, और mean क्या आया था, 13. तो 10 minus 13, 13 minus 13, 16 minus 13, तो ये मेरी क्या आ गई, simple deviation आ गई. उसके बाद product of deviation, मतलब मेरे पास x का deviation आ गया, y का deviation आ गया. और हमें पता है linear regression में दो ही variable होते हैं, एक dependent एक independent. x जो है वो मेरा independent है, y मेरा dependent है. तो इन दोनों का deviation मैंने calculate कर लिया, multiply कर दो, इसको इसको और इसको multiply करोगे तो क्या आएगा, 6 minus minus क्या हो गया, plus हो गया 6, और ये तो मेरा 0 रहेगा. यहाँ तक done. उसके बाद sum of product of deviation, कुछ भी नहीं है, दिखने में लग रहा पता नहीं क्या कर रहे हैं, easy. इन सब का क्या कर दिया, sum कर दिया, कर नहीं सकते अब, 6 plus 0 plus 6 क्या हो गया, 12, खत्म. उसके बाद square of deviation of x, सिर्फ जो x के deviation कहाँ थे ये, उनका square कर दो. minus 2 का square करोगे तो plus 4, क्योंकि square हमेशा plus होता है, तो 4 हो गया. 0 का square 0, 2 का square 4. लो जी, ये कहानी आपकी डन. अब इनके बेसिस पे हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, m, दैट इज अ स्लोप. और मैंने क्या बताया था, एक यूनिट अगर मैं x में चेंज करता हूं तो y में कितने चेंज हो रहे हैं, दैट इज व्हाट अ स्लोप. तो यहां पे वैल्यू क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, क्या है जी आपका, 12. और डिवाइड करना है किससे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर x. इन सब का सम कर दो, 4 plus 0 plus 4 क्या हो गया, 8. लो जी, 12 by 8 करोगे तो क्या आएगा, 1. ये आपका 1 क्या आ गया, 5 आ गया. ठीक है जी, तो ये सिंपल सी आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई. इससे क्या पता लगा, बोलो बोलो, इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि अगर मैं x की वैल्यू में 1 चेंज करता हूं तो y की वैल्यू में 1.5, मतलब डेढ़ का चेंज होगा. x में अगर 1 वैल्यू चेंज करता हूं तो y में 1.5 का चेंज होगा. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी थी, दैट इज अ m स्लोप. दूसरा कैलकुलेट b इंटरसेप्ट, मतलब x की वैल्यू 0 है, मतलब मैंने पिज्जा का डायमीटर जो है वो 0 साइज का है, जस्ट फॉर एग्जांपल 0 साइज का है, तो मैंने कितने रुपए चार्ज करूंगा, कितने रुपए, ऑब्वियसली 400 कुछ ना कुछ होगा ही नहीं. तो बट फिर भी आपने डेटा के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, खुद से अंदाजे नहीं लगाने. तो मीन ऑफ y, मीन ऑफ y हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, क्या है जी, 13 माइनस m की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 1.5, और मीन ऑफ x हमने कैलकुलेट किया क्या है जी, 10. तो इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा. 13 माइनस 15 आपका क्या होता है जी, माइनस 2. लो जी, माइनस 2, मतलब x की वैल्यू अगर 0 है, डायमीटर 0 है, तो एक तरह से आपको कुछ भी पे नहीं करना, मतलब माइनस 2 डॉलर एक तरह से, या एक तरह से आप कह सकते हो कि ये चीज जो है वो इंटरसेप्ट दिखाती है कि आपका जो, जब हम इसको विजुलाइज करेंगे ग्राफ में तो कैसे वैल्यू इंटरसेप्ट हो रही है. ये चीजें जब हमारी कैलकुलेट हो गई, अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली इसको विजुलाइज कर सकते हैं. विजुलाइज मतलब हम इसको एक ग्राफ में दिखा सकते हैं. ग्राफ में हमारे पास इस तरफ क्या होता है, x एक्सिस, इस तरफ क्या होता है, y एक्सिस. वही x क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी जो डायमीटर वो इस तरफ ले लो, प्राइस आपके इस तरफ ले लो, और सिंपली मैंने वैल्यूज ड्रॉ कर ली. अब देखो, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू मेरी क्या है, माइनस 2, यही जो हमने अभी भी कैलकुलेट की है. और बाकी की वैल्यूज वही है कि x की वैल्यू अगर मेरी 8 है तो y की वैल्यू मेरी 10, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करके बता दी. ये हमारा एक तरह से विजुलाइज हो गया क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, कोई पिज्जा वाला आके कहता है कि यार मेरे पास एक नया पिज्जा मैंने डिजाइन किया है, या मैं करने जा रहा हूं, जिसका डायमीटर है 20 इंच, जिसका डायमीटर है 20 इंच, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो कि प्राइस कितना होगा उसका, या कितना रखना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे. यार अब तो सारा कुछ है आपके पास, y is equal to mx plus d, पुट कर दो, m की वैल्यू क्या है, 1.5. कितना वो डायमीटर रखना चाहता है नए पिज्जा का, 20, और आपके पास b की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 पुट कर दो. लो जी, ये क्या बन गया जी आपका, ये बन गया आपका 30, और 30 माइनस 2 करोगे तो 28. लो जी, आपने प्रिडिक्शन कर दी $28 कि अगर 20 इंच का पिज्जा होगा तो $28 उसका प्राइस होगा. बस यही तो कॉन्सेप्ट है, ये है बेस्ट केस में.
ये है बेस्ट केस में, जब आपकी सारी वैल्यूज स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। ये मैंने पहले बेस्ट केस लिया कि जब आपकी सारी वैल्यूज स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, लीनियर लाइन में आ रही हैं। लेकिन जब हम डेटा, क्योंकि मैंने डेटा ही ऐसा आसान सा लिया जिससे सारी ऐसे आ रही हैं, बट रियल लाइफ में डेटा इस तरीके से नहीं होता, आपका डेटा जो है वो स्कैटर्ड होता। तो आप जब लाइन बनाओगे ना, ये जब एक लाइन बनाओगे तो हो सकता है कुछ डेटा आपका इस लाइन से दूर आए, इस तरीके से कुछ डेटा इस लाइन से दूर स्कैटर्ड होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि रियल लाइफ में, मतलब आपने कैलकुलेट किया कि 20 इंच का अगर पिज्जा है तो उसका प्राइस $28 होना चाहिए, बट हो सकता है किसी बंदे ने $30 कर रखा हो, या किसी ने, हो सकता है कि $25 कर रखा हो। तो यानी एक्चुअल से आपकी प्रिडिक्शन थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक्चुअल में वैल्यू जो है वो ये है और प्रिडिक्शन मैंने इतनी की, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, आउटलायर्स, या इसको बोल देते हैं एरर्स, एरर। और ये एरर क्यों आता है, जनरली बिकॉज ऑफ आउटलायर्स की वजह से जनरली एरर आता है। तो यहां पे अगर आपका डेटा अच्छे से रिफाइंड है, क्लीन्ड है, तो वी ट्राई टू रिड्यूस दीज एरर्स, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स आ जाती हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया कि लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से वर्क करता है, कैसे सारी कैलकुलेशंस करते हैं और कैसे प्रिडिक्शंस करते हैं। थैंक यू।